नमस्कार, विश्व दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डोकलाम पर चीनी सेना की धमकी, तुरंत पीछे हटे भारत, खत्म हो रही है बर्दाश्त की हद। पाकिस्तान में नजरबंद हाफिज सईद ने बनाई नई पार्टी, कर रहा है चुनाव लड़ने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा, अमेरिका से भी अच्छी है हमारी ईवीएम मशीन नहीं हो सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शनिवार को, एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू की जीत लगभग तय। भाजपा राज्यसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी, उच्च सदन में भाजपा के पास अब 58 सदस्य। अफगानिस्तान में काबुल के काराबाग जिले में नाटो के काफिले पर हमला, एक सैनिक की मौत। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गोलाघाट के निकट गंडक नदी में नौका के पलटने से 10 लोगों के डूबने की आशंका। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में खड़े ट्रक से टकराने के कारण गाड़ी में सवार 6 महिलाओं की मौत, 6 अन्य घायल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए। लखनऊ में 1 करोड़ के पुराने नोट बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। ऑपरेशन से प्रसव के बढ़ते मामलों पर सरकार ने लोकसभा में चिंता जताई। यूपी में समाजवादी पार्टी को एक और झटका, आजम खान की करीबी एमएलसी सरोजनी अग्रवाल भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव पर संसद में हंगामा। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।